हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट देखो, तो हमने क्या किया, देखो लेट कर लिया साइन थीटा इक्वल टू एक्स है। तो स्टूडेंट देखो, अगर यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकालें, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स इसको इधर भेज देना, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे जो थीटा है ये क्या एंगल है, ठीक है, तो थीटा देखो यहाँ पे एंगल है, और थीटा इज इक्वल टू किसके लिखा है, साइन इनवर्स एक्स, मतलब थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट जो ये साइन इनवर्स एक्स जो है, ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट याद रखोगे, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक मतलब एंगल मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो क्या, एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट देखो, लेफ्ट हैंड साइड थीटा है, ठीक, ये एंगल है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी एंगल होने चाहिए, ठीक, तभी तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, ये क्या होगा, एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट देखो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। और स्टूडेंट याद रखोगे, साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स तो एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। तो वो स्टूडेंट, ठीक है, तो हमने ये लिख रखा है, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स इज द एंगल, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स जस्ट अ नंबर, ठीक है, मतलब साइन इनवर्स एक्स एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तो कहीं भी ऐसा हम लिख नहीं सकते, ठीक है, इसको ऐसा नहीं लिखना है। तो स्टूडेंट देखो, कुछ एग्जांपल हैं, देखो तो बताते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं क्या, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है साइन इनवर्स 1/2, तो देखो स्टूडेंट, ये जो साइन इनवर्स 1/2 लिखा, ठीक है, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और कौन सा एंगल लिखना है, ठीक है, वो एंगल लिखना है जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 आती है, ठीक है। तो साइन में उस एंगल को बताओ जिस पर वैल्यू 1/2 आती है, वो होता है 30 डिग्री, ठीक है, तो 30 डिग्री हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, मतलब साइन इनवर्स 1/2 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, पाई बाई 6 होगा। सिमिलरली देखो स्टूडेंट, लिखा है कॉस इनवर्स √3/2 लिखा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, ये पूरा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो एंगल लिखना है जिसकी कॉस में वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। तो कॉस में किस एंगल पे वैल्यू √3/2 होती है, 30 पे होती है, ठीक है, 30 मतलब कितना, पाई बाई 6 लिख देंगे। और स्टूडेंट अगला है, देखो कॉस इनवर्स -1/2 लिखा है, ठीक है, तो स्टूडेंट देखो कॉस में वो एंगल लिखना है, ठीक है, मतलब उस एंगल को लिखना है जिसमें कॉस की वैल्यू -1/2 आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, कॉस जो 120 होता है, ठीक है, मतलब 120 जो होता है वो -1/2 वैल्यू देता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 120 लिखेंगे, ठीक है, 2π/3 लिखेंगे, मतलब कॉस इनवर्स -1/2 की जो इस टोटल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2π/3 होगी। और स्टूडेंट लिखा है, देखो टेन इनवर्स 1 अगर तुमसे पूछा जाता, ठीक है, तो कौन सा एंगल लिखेंगे हम लोग, 5/4 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मतलब उस एंगल को लिखना है जिसमें टेन की वैल्यू कितनी हो, 45 हो। और अगला लिखा है, देखो स्टूडेंट कॉस 2/√3 लिखा, ठीक है, तो कॉसेक, ठीक है, कॉसेक 2/√3। तो स्टूडेंट देखो, कॉसेक में उस एंगल को लिखना है, ठीक है, हमको जिस पर वैल्यू 2/√3 होती है। तो स्टूडेंट देखो, कॉसेक जो 60 होता है वो 2/√3 वैल्यू देता है, ठीक है, तो इस टोटल की जो वैल्यू होगी, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे इनवर्स लगेगा, ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स 2/√3 की जो टोटल जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5/3 होगी, ठीक है, मतलब 60 डिग्री होगी। और स्टूडेंट देखो, इनवर्स फंक्शंस, ठीक है, मतलब इनवर्टिबल फंक्शंस, ठीक है, मतलब किन फंक्शंस का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इनवर्स के लिए याद रखना, ठीक है स्टूडेंट, जो फंक्शंस है वो 1/1 होने चाहिए एंड ऑन टू होने चाहिए, ठीक है, तभी फंक्शंस का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज मतलब इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट देखो, जो 1/1 जो ऑन टू फंक्शन होते हैं उनको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शंस, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो है, ये इन 1/1 ऑन टू है, ठीक है, ये हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे बता दें स्टूडेंट, इस चैप्टर में इसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है, मतलब कोई खास यूज नहीं करेंगे हम लोग कहीं पर भी। इसका देखो स्टूडेंट, डोमेन एंड रेंज, ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज। तो स्टूडेंट देखो, ये फंक्शंस लिखा है, ठीक है, ये डोमेन लिखा है, ये रेंज लिखा, ठीक है। और स्टूडेंट देखो, रेंज को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट देखो, ये फंक्शंस है, तो लिखा है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है -1 से +1,
और रेंज होती है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है, क्लोज इंटरवल में, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ भी क्लोज रहेगा, और लिखा है देखो कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी जो डोमेन होती है वो आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस वन से प्लस वन, ठीक है। और जो रेंज होती है, ठीक है, वो होती है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, वो माइनस करना है जीरो, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट देखो जीरो इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि कॉसेक जो जीरो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी देता है। तो इसलिए यहाँ पर जीरो एंगल हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। और स्टूडेंट देखो टेन इनवर्स एक्स लिखा है, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, और जो रेंज होती है वो ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होती है। और स्टूडेंट देखो अगला आया, देखो कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है माइनस वन से प्लस वन में होती है क्लोज इंटरवल में, और जो रेंज होती है वो जीरो टू पाई होती है, ठीक, क्लोज इंटरवल में। और सेक इनवर्स एक्स जो डोमेन होती है वो आर माइनस माइनस वन से प्लस वन, ठीक है, माइनस कर देना है। और जो स्टूडेंट जो रेंज होती है, ठीक है, वो होती है क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई, ठीक है, और माइनस करना है पाई बाई टू। स्टूडेंट देखो माइनस इसलिए किया, ठीक है, क्योंकि सेक जो पाई बाई टू होता है वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस कर देंगे। और इस लास्ट में लिखा देखो स्टूडेंट कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है आर, ठीक है, और जो रेंज होती है जीरो टू पाई होती है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है जीरो टू पाई होती है। तो स्टूडेंट देखो साइन और जो कॉस है, ठीक है, इनकी डोमेन सेम होती है, ठीक है, और ऐसे देखो सेक और कॉसेक, ठीक है, इनकी डोमेन सेम होती है, ठीक है, और टेन और कॉट की डोमेन क्या होती है, सेम होती है, और यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो आप ये अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लेना, ठीक है। और स्टूडेंट देखो इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, पेपर में एक क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल वैल्यू पे, तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। इसका देखो स्टूडेंट, ठीक है, तो ये हम बता देते, ठीक है, कि जो लिखा है माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू, ठीक है, कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले देखो जो साइन इनवर्स एक्स की जो जो रेंज है, ठीक है, वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है। तो देखो स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो यहाँ पे जीरो डिग्री होता है, ठीक है, और यहाँ पे पाई बाई टू होता है, फिर पाई, फिर थ्री पाई बाई टू, फिर टू पाई यहाँ पे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, ठीक है। स्टूडेंट देखो यहाँ पे जीरो फिर माइनस पाई बाई टू होता है, ठीक है, स्टूडेंट राइट टू होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखो और स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, देखो माइनस पाई फिर माइनस थ्री पाई बाई टू, यहाँ पे माइनस टू पाई हो जाएगा, मतलब क्लॉक वाइज में जो होता है, ठीक है, वो माइनस में एंगल होता है, ठीक है यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है, मतलब माइनस पाई बाई टू यहाँ और प्लस पाई बाई टू यहाँ, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट यूज करना है, ठीक है तुम्हें ये, ठीक है, साइन के लिए, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स के लिए। और देखो कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए भी ये यूज करना है, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू क्लोज में, बट जीरो नहीं लेना है, ठीक है उसमें। और फिर लिखा है टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो स्टूडेंट देखो ओपन में माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ओपन में, ठीक है, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद स्टूडेंट कॉस इनवर्स एक्स की देखो जो रेंज थी वो जीरो टू पाई थी, ठीक है, तो जीरो टू पाई कहाँ होगा, जीरो यहाँ होगा, पाई यहाँ होगा, मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट अब यूज करेंगे। और स्टूडेंट है तो वो सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स की जीरो से पाई है क्लोज में, बस माइनस करना है, बट माइनस कर देना कितना, पाई बाई टू माइनस करेंगे, तो जीरो टू पाई, ठीक है, मतलब जीरो टू पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, उसमें पाई बाई टू नहीं लेना, ठीक है, ये जो पाई बाई टू यहाँ पे होता है वो नहीं लेना है, तो जीरो से पाई क्लोज में माइनस का पाई बाई टू। और लास्ट में लिखा था वो कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो जीरो टू पाई होती है, तो जीरो टू पाई ओपन में, जीरो टू पाई ओपन में कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट तो याद रखना यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक, इसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड एक साथ यूज होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और फर्स्ट और फोर्थ एक साथ यूज होते हैं, कहीं भी यूज होंगे जब भी होंगे। तो स्टूडेंट ये अच्छी तरीके से आप लर्न कर लें, ठीक है, इस टेबल को। इसके बाद देखो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट, ठीक है, मतलब एक तरह की ये फॉर्मूले टाइप के, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, देखो लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू थीटा होता है, मतलब स्टूडेंट देखो ये साइन इनवर्स है, ये साइन, ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट तभी करेंगे, ठीक है, जब थीटा बिलोंग्स करेगा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में, ठीक है। अगर थीटा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, तो ये साइन साइन इनवर्स एक्स को कैंसिल कर देगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा थीटा आ जाएगा। अगर थीटा इस इंटरवल में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद वो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू होता है स्टूडेंट को थीटा होता है, ठीक है, और थीटा बिलोंग्स करनी चाहिए जीरो टू पाई में,
मतलब एक तरह की स्टूडेंट ये इनकी प्रिंसिपल रेंज लिखी, ठीक है, मतलब अगर थीटा प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग्स कर रहा है तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर थीटा देंगे, ठीक है, अगर थीटा प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। थर्ड फॉर्मूला देखो, टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, थीटा बिलोंग्स करेगा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। इसके बाद देखो कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, थीटा बिलोंग्स करेगा जीरो टू पाई, ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी। और सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई क्लोज में, और माइनस करना है पाई बाई टू। इसके बाद सेक इनवर्स सॉरी कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, ठीक है, इक्वल टू थीटा होगा, ठीक है, और थीटा लाई करनी चाहिए माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में क्लोज इंटरवल में, और माइनस कर देंगे जीरो, ठीक है। कुल मिला के याद रखना है तुम्हें थीटा और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग्स करनी चाहिए, ठीक है, मतलब रेंज में बिलोंग्स करनी चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होंगे। देखो स्टूडेंट कुछ एग्जांपल हैं, देखो साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री, ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले ये देखो, तो एंगल चेक करो ये कितना है, देखो यहाँ पे पाई बाई थ्री का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है, और स्टूडेंट देखो साइन इनवर्स है, ठीक है, तो साइन इनवर्स में होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू रेंज होती है, तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में 60 लाई करेगा, ठीक है, पॉजिटिव का, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई थ्री। इसका देखो दूसरा एग्जांपल है साइन इनवर्स साइन थ्री पाई बाई फोर, ठीक है, अब स्टूडेंट देखो थ्री पाई बाई फोर है, थ्री पाई बाई मतलब होता है 135, ठीक है, अब स्टूडेंट देखो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होती है रेंज इसकी, तो मतलब माइनस 90 से प्लस 90 होता है, और माइनस 90 से प्लस 90 में 135 तो आता नहीं है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा है नॉट इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर लिख दिया है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे, तो स्टूडेंट हमने लिख दिया देखो साइन इनवर्स, और इसको लिखा देखो साइन थ्री पाई बाई फोर था, इसको लिख दिया पाई माइनस पाई बाई फोर लिख दिया, ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये थ्री पाई फोर आ जाएगा, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट, साइन थीटा होता है, ठीक है, तो साइन पाई फोर आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो ये एंगल पाई फोर आ गया, ठीक है, और पाई फोर कितना होता है 45 होता, अब ये एंगल माइनस 90 से प्लस 90 में बिलोंग्स करेगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, माइनस का पाई बाई थ्री आंसर आ जाएगा, ठीक है इसका। इसके बाद देखो स्टूडेंट अगला जो लिखा है, ठीक है, अगला लिखा है देखो कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस पाई बाई सिक्स लिखा है, तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले कॉस इनवर्स है, ठीक है, तो इन कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, जीरो टू पाई होती है, ठीक, क्लोज में, जीरो टू पाई मतलब जीरो से 180, ठीक है, क्लोज इंटरवल में, तो स्टूडेंट देखो ये पाई बाई थ्री है, पाई बाई थ्री मतलब होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री जीरो से 180 में लाई करेगी, तो लाई करेगा तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा पाई बाई यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखो फोर्थ है कॉस इनवर्स कॉस टू पाई बाई थ्री लिखा है, ठीक है, और स्टूडेंट फिर से देखो ये एंगल चेक करो, ठीक है, कॉस इनवर्स है, तो जैसे ही फंक्शन दिखाए इसके बाद इसकी रेंज आपके माइंड में आ जानी चाहिए, ठीक है, तो कॉस इनवर्स है तो कॉस की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, जीरो से पाई होती है, जीरो से पाई मतलब जीरो से 180, जीरो से 180 में देखो टू पाई बाई थ्री है, टू पाई बाई थ्री मतलब होता है 120, और 120 इसके बीच में लाई करेगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो आंसर कितना हो जाएगा टू पाई बाई थ्री आंसर होगा इसका, ठीक है। इसके बाद देखो टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर लिखा, ठीक है, अब देखो टेन इनवर्स आ गया तो टेन की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में होती है ओपन में, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 में, ठीक है, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे पाई फोर है, पाई फोर मतलब होता है 45, और 45 माइनस 90 से प्लस 90 में बिलोंग्स करेगा तो ये कैंसिल होकर आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई फोर आंसर आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका देखो स्टूडेंट थ्योरम नंबर टू कह रहा है देखो साइन इनवर्स एक्स। स्टूडेंट देखो फर्स्ट जो थ्योरम थी उसमें साइन इनवर्स बाहर लिखा था और साइन एक्स अंदर था, अब क्या हो गया उल्टा हो गया, साइन ठीक है बाहर है और साइन इनवर्स एक्स अंदर है, ठीक है, तो क्या करना है देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और एक्स बिलोंग्स करनी चाहिए माइनस वन से प्लस वन, ठीक है, मतलब इसके डोमेन में बिलोंग्स करनी चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे सारे डोमेन यूज होंगे ये, ठीक है, डोमेन लिखे हैं, तो सेकंड लिखा है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये एक्स कब होगा, एक्स बिलोंग्स करेगा माइनस वन से प्लस वन में। इसके बाद वो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और एक्स बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्स कुछ भी हो, ठीक है, रियल नंबर में, और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और एक्स बिलोंग्स करनी चाहिए रियल नंबर में। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स करेगा आर माइनस वन से प्लस वन में, मतलब sec इनवर्स आपस में कैंसिल तभी होंगे, ठीक है, जब x बिलोंग्स करेगा r माइनस वन से प्लस वन में, लाई करनी चाहिए, ठीक है।
इसके बाद देखो कॉसेक, और कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है स्टूडेंट, तो कब एक्स होगा, जब एक्स बिलोंग्स करेगा माइनस आर, एक्स बिलोंग्स करेगा आर माइनस माइनस वन से प्लस वन में लाई करेगा। तो स्टूडेंट ये थ्योरम है, ठीक है, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना, ये टोटल जो लिखा है, ठीक है, एक्स कहाँ बिलोंग्स करनी चाहिए, इसके डोमेन में बिलोंग्स करनी चाहिए, तभी ये एक दूसरे को कैंसिल करके एक्स हमको देंगे। अगर इसके डोमेन में बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट देखो कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है, इसी थ्योरम पर। तो लिखा है साइन साइन इनवर्स वन बाई टू, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे वन बाई टू है। अब देखो स्टूडेंट साइन साइन आ गया, ठीक है, और साइन इनवर्स लिखा है वन बाई टू, तो अब साइन आया तो स्टूडेंट साइन की जो डोमेन होती है वो माइनस वन से प्लस वन होती है, और माइनस वन से प्लस वन वन बाई टू आता है, बीच में लाई करेगा, ठीक है, तो लाई करेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करके क्या आ जाएगा आंसर, वन बाई टू आ जाएगा। और स्टूडेंट अगला आया, देखो साइन और साइन इनवर्स रूट थ्री। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे रूट थ्री आ गया, ठीक है, अब रूट थ्री कितना होता है, 1.732 होता है। अब देखो स्टूडेंट, ठीक है, तो जो एक्स जो है, ठीक है, ये माइनस वन से प्लस वन में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको नॉट इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है, रूट थ्री, तो मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, मतलब इसको हम रूट थ्री नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद है कॉस कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, तो स्टूडेंट देखो कॉस कॉस की जो डोमेन होती है वो माइनस वन से प्लस वन होती है, और रूट थ्री बाई टू स्टूडेंट, ठीक है, तो रूट थ्री बाई टू ये जीरो से वन में लाई करता है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके क्या आंसर आ जाएगा, रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे लिखा है कॉस, ठीक है, और कॉस इनवर्स टेन लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट तो देखो टेन लिखा, ठीक है, तो अब डोमेन इसकी होती है माइनस वन से प्लस वन होती है, तो माइनस वन से प्लस वन में टेन तो लाई नहीं कर रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू किसके, टेन। इसके बाद लिखा देखो स्टूडेंट टेन टेन इनवर्स टेन लिखा है। अब देखो स्टूडेंट टेन की जो डोमेन हमने पढ़ी थी, मतलब एक्स कहाँ पे लाउंस करनी चाहिए, आर में, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, टेन ट्वेंटी, ठीक है, मतलब टू थाउजेंड, ठीक है, या कोई भी बहुत बड़ा नंबर लिख दो, तो मतलब टेन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि टेन में जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है, तो ये कैंसिल होकर इसका आंसर कितना आ जाएगा, टेन आ जाएगा। और स्टूडेंट देखो अगला लिखा है सेक सेक इनवर्स वन बाई टू। अब स्टूडेंट देखो सेक की जो डोमेन होती थी, सेक की डोमेन होती आर माइनस माइनस वन से प्लस वन, ठीक है, तो स्टूडेंट देखो अब सेक में लिखा है देखो वन बाई टू, क्या वन बाई टू आर माइनस माइनस वन से प्लस वन मिलाई करेगा, ठीक है, कभी भी स्टूडेंट याद रखना, ठीक है, सेक की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो माइनस वन से प्लस वन में लाई नहीं करती है, ठीक है, और ये स्टूडेंट देखो जो वैल्यू है वन बाई टू, और ये माइनस वन से प्लस वन में लाई कर रही है, इसीलिए हमने लिखा है देखो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं करेंगे, ना ही एग्जिस्ट करेगा ये। इसके बाद लिखा देखो कॉसेक कॉसेक इनवर्स लिखा है हंड्रेड लिखा, ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट तो कॉसेक इनवर्स एक्स की देखो रेंज, सॉरी एक्स जो जो डोमेन था यहाँ पे, ठीक है, डोमेन जो था एक्स जो बिलोंग्स कर रहा था आर माइनस माइनस वन से प्लस वन, जो हंड्रेड तो इसमें लाई करेगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, हंड्रेड आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने दिए, ठीक है, मतलब फॉर्मूले समझाने के लिए। इसके बाद वो स्टूडेंट थ्योरम नंबर फोर लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इसके बाद वो सेकेंड है टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। और स्टूडेंट देखो थर्ड है सेक इनवर्स एक्स प्लस के कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है, तो ये आप याद कर लेना इसको, ठीक है, ये एग्जाम में पूछी भी जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो इनके प्रूफ भी पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें सेकंड वाला प्रूफ बता देते, ठीक है, मतलब सारे एक जैसे, ठीक है, आप कोई भी पूछ लो, ना लिखा है देखो सेकंड वाला लिखा है क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू में प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, देखो हमने लेट कर लिया टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, और स्टूडेंट देखो टेन इनवर्स जो एक्स है इसको हम थीटा ही लेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स है ये क्या एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, तो एंगल को या तो हम ए ले सकते हैं या फिर थीटा ले सकते हैं या फिर अल्फा ले लो या फिर बीटा ले लो, ठीक है, तो ऐसे ही लेट करना है। तो यहाँ से क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, तो स्टूडेंट एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स को इधर भेज देना, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो अब यहाँ से अब क्या करना है, स्टूडेंट ये टेन को कॉट में कन्वर्ट कर दो, तो टेन को जब कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक, तो कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट देखो तो टेन को हमने कॉट में ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, देखो स्टूडेंट कॉट इनवर्स एक्स कॉट को इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा पाई बाई टू माइनस थीटा बचेगा। अब देखो स्टूडेंट ये और इसको, ठीक है, इन दोनों क्या करना है, तुमको ऐड कर दो, ठीक है,
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे हम ऐड। तो स्टूडेंट बताया था इसको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू आएगा थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा। तो स्टूडेंट को आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। और सिमिलरली ठीक है ऐसे ही आप फर्स्ट और जो थर्ड है इसको भी प्रूव कर सकते हो। इसको देखो स्टूडेंट थ्योरम नंबर फाइव लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस बार आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस बार करना कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो ये तीन फंक्शंस हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स में डायरेक्ट माइनस बार आ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट फोर्थ जो है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जब ये माइनस बार निकालेंगे तो इसको लिखेंगे हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, तो स्टूडेंट देखो इसका माइनस कैसे बार निकालेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख देंगे, और कॉट इनवर्स स्टूडेंट देखो माइनस एक्स, ठीक है, तो इसका जब माइनस बार निकालेंगे कॉट का तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख देंगे। तो स्टूडेंट तीन ये हैं, ठीक है, तीन ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिनमें क्या होगा माइनस कैसे बार आएगा पाई करके बार आएगा, किस किस में कॉस सेक कॉट आपको याद रखना है, ठीक है। और जो पीछे जो फंक्शंस थे ठीक इनमें साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स में डायरेक्ट माइनस बार आ जाता है, और इनमें क्या होता है पाई माइनस करके आता है। इसके बाद देखो स्टूडेंट थ्योरम नंबर सिक्स लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है देखो स्टूडेंट टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स। तो स्टूडेंट थ्योरम सिक्स है ठीक ये फॉर्मूले टाइप के हैं आपको याद करने पड़ेंगे। तो फिर से देखो tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। और स्टूडेंट देखो ये फॉर्मूला वैलिड तभी होगा ठीक है, कंडीशन लगी है कि x ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए y ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए एंड एक्स वाई लेस देन वन होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए वन से छोटा होना चाहिए, मतलब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव नंबर होने चाहिए और इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे वो वन से छोटा होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वन से ग्रेटर है ठीक है, मतलब अगर और कुछ भी है ठीक है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा फॉर्मूला देखो स्टूडेंट टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। तो स्टूडेंट देखो ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे ठीक है, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स वाई ग्रेटर देन वन, मतलब स्टूडेंट देखो अगर एक्स पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, अगर वन से ग्रेटर आता है अगर वन से ग्रेटर आया तो पाई प्लस कर देंगे, और अगर स्टूडेंट देखो एक्स वाई दोनों का जो प्रोडक्ट है अगर वो वन से छोटा रहा ठीक है तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, तो उसमें हम पाई ऐड नहीं करेंगे। तो ये स्टूडेंट थ्योरम्स ठीक है, तो थ्योरम्स आप याद कर लेना एक तरह की फॉर्मूले हैं ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। इसके बाद देखो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक फंक्शंस ऑफ सम स्पेशल एंगल, ठीक है, ये टेबल स्टूडेंट याद होनी चाहिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये फंक्शंस लिखे हैं ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, यहाँ पे जीरो लिखा ठीक है हमने पाई बाई सिक्स पाई बाई फोर पाई बाई सॉरी यहाँ पे पाई बाई थ्री होगा पाई बाई थ्री ठीक है, और यहाँ पे पाई बाई टू। स्टूडेंट देखो पाई बाई टू हम लोग 90 बोलते हैं, पाई बाई थ्री को 60 डिग्री और पाई फोर को 45 और पाई बाई थर्टी को सॉरी पाई बाई सिक्स को क्या बोलते हैं 30 डिग्री। तो स्टूडेंट देखो साइन जीरो जो होता है वो जीरो होता है ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1 बाई टू होता है, और साइन 45 1 बाई रूट थ्री, और साइन 60 जो होता है रूट थ्री बाई टू होता है, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। इसके बाद देखो स्टूडेंट कॉस जीरो कितना होता है 1 होता है, कॉस पाई बाई सिक्स रूट थ्री बाई टू होता है, कॉस पाई बाई फोर 1 बाई रूट थ्री, और कॉस पाई बाई थ्री 1 बाई टू होता है, और कॉस 90 होता है जीरो। और स्टूडेंट देखो टेन जीरो जो होता है वो जीरो होता है, और टेन पाई बाई सिक्स ठीक है मतलब 1 बाई रूट थ्री टेन 30, और टेन 45 होता है 1, और टेन 60 जो होता है वो रूट थ्री होता है, और टेन 90 होता है इन्फिनिटी होता है। और स्टूडेंट देखो कॉट जीरो इन्फिनिटी होता है, और कॉट 30 होता है रूट थ्री, और कॉट पाई फोर होता है 45, कॉट 45 1 होता है, और कॉट 60 होता है 1 बाई रूट थ्री, और कॉट 90 होता है वो जीरो होता है। स्टूडेंट देखो सेक थीटा ठीक है, सेक की वैल्यू आप याद कर लेना ठीक है, कॉस का क्या होता है रिवर्स होता है ठीक है, कॉस का उल्टा कर देना। इसके बाद देखो स्टूडेंट कॉसेक थीटा क्या होता है ठीक है, साइन का रिवर्स होता है ठीक है, तो साइन को क्या करना है उल्टा कर देना ठीक है। तो स्टूडेंट देखो जो सेक जो जीरो होता है ठीक है, सेक जीरो कितना होता है 1, और सेक 30 होता है 2 बाई रूट 3, और सेक 45 रूट 2, और सेक 60 होता है 2, और सेक 90 होता है इन्फिनिटी, और कॉसेक जीरो होता है इन्फिनिटी, और कॉसेक 30 होता है 2,
और कॉसेक 45 रूट टू, और कॉसेक 60 जो होता है 2/√3, और कॉसेक 90 होता है 1। तो स्टूडेंट देखो, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ये टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। इसको देखो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 2A। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन फॉलोइंग। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा देखो, साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको लिख देंगे साइन इनवर्स। और स्टूडेंट देखो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन π/4 की होती। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो अब ये एंगल जो है, देखो ये इसकी ब्रांच मिलाई करनी चाहिए। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स एक्स की ब्रांच कहाँ से कहाँ होती है, -π/2 से +π/2 होती है। ठीक है, मतलब -90 से +90, तो उसके बीच में लाई करेगा 45, तो इसका आंसर कितना आएगा, π/4 आएगा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है देखो स्टूडेंट, इसकी का दूसरा पार्ट लिखा है कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स, तो कॉस में √√3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो ये एंगल जो है π/6 इसके ब्रांच में जाइए बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, इसकी ब्रांच क्या होती है, 0 to π होती है। ठीक है, मतलब रेंज जो होती है वो कहाँ से होती है, 0 to π, तो 0 to π में 30° बिलोंग्स करेगा, तो इसका आंसर आएगा π/6। इसके बाद देखो थर्ड है, टेन इनवर्स √3, टेन इनवर्स। ठीक, और इसको देखो टेन में √3 किस पे वैल्यू होती है, π/3 पे होती थी। तो स्टूडेंट देखो अब टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स की जो ब्रांच होती थी, मतलब रेंज जो होती है वो होती है -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90, तो उसमें देखो ये π/3 कितना है, 3 है, मतलब 60° है, तो बिलोंग्स करेगा, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो फोर्थ है पार्ट, फोर्थ पार्ट कर रहा है कॉसेक √2। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो कॉसेक, अब स्टूडेंट देखो √2 को क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कॉसेक √2 किस पे होती है, π/4 पे वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये इसकी देखो ब्रांच में बिलोंग्स करेगा। ठीक है, अब चेक कर लेना, तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, π/4 आएगा, π/4 ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो स्टूडेंट फिफ्थ नंबर लिखा है sec इनवर्स 1। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो sec इनवर्स 1 को लिख देंगे हम लोग sec 0 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि sec 0 की वैल्यू 1 होती है। तो स्टूडेंट ये देखो, अब स्टूडेंट देखो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0°। तो स्टूडेंट अगला आया देखो सिक्स नंबर, cot इनवर्स 1। तो cot इनवर्स 1 को लिखेंगे हम लोग cot π/4 लिख देंगे। तो स्टूडेंट देखो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसके बाद देखो स्टूडेंट सेकंड जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो फिर से फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स -√3/2। तो अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये माइनस बार कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें साइन इनवर्स है, -12 आ जाएगा डायरेक्ट, माइनस ये हो जाएगा स्टूडेंट देखो साइन इनवर्स। स्टूडेंट देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, sin π/3 लिख देंगे। ठीक है, मतलब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। अब स्टूडेंट देखो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया टोटल तुम्हारा। ठीक है, ये आंसर आ गया फाइनल। इसके बाद स्टूडेंट देखो सेकेंड क्वेश्चन है, लिखा है cot इनवर्स -√3। अब स्टूडेंट देखो cot इनवर्स में, ठीक है, वो माइनस बाहर निकालना है, तो इसका देखो -π- निकल के आएगा। ठीक है, cot इनवर्स √3, तो हो जाएगा π- और स्टूडेंट ये हो जाएगा cot इनवर्स। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे √3 क्या लिखेंगे हम, cot लिख देंगे, π/6 लिखेंगे। ठीक है,
कॉट जो 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, रूट 3 होती है। अब स्टूडेंट देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो किया जाएगा, पाई माइनस पाई बाई सिक्स कितना आ जाएगा, 5π/6 आ जाएगा, ठीक है आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा था वो कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। अब देखो स्टूडेंट कॉस इनवर्स आ जाएगा तो कॉस में माइनस कैसे बाहर निकालेंगे, हम लोग बताया था पाई माइनस कर देंगे कॉस इनवर्स 1/2, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसको लिख दो कॉस, यहाँ पे लिख देंगे पाई बाई, स्टूडेंट पाई बाई लिख देंगे 3, ठीक है, मतलब कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो यहाँ हो जाएगा देखो पाई माइनस, स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा पाई बाई 3 आ जाएगा, टोटल आ जाएगा कितना 2π/3 आ जाएगा, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। इसके बाद है फोर्थ, देखो फोर्थ क्या करा, फोर्थ करा स्टूडेंट sec इनवर्स माइनस के 2/√3, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले sec इनवर्स है, sec में माइनस कैसे निकालेंगे, पाई माइनस होगा, ठीक है, पाई माइनस sec इनवर्स 2/√3, तो पाई माइनस sec इनवर्स, तो स्टूडेंट इसको लिख देंगे हम लोग sec। अब स्टूडेंट देखो ये किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, sec में ये होती है पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, ठीक है, 6 पर, तो ये हो जाएगा देखो पाई माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा पाई बाई 6, तो आंसर आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा आंसर। इसका देखो स्टूडेंट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स माइनस 1, तो माइनस बार कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, tan है, tan में माइनस डायरेक्ट बार आ जाता, तो माइनस, और स्टूडेंट इसको लिख देंगे tan इनवर्स tan π/4 माइनस, अब स्टूडेंट देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस का π/4 आ जाएगा। इसका देखो स्टूडेंट अगला है सिक्स नंबर, cosec माइनस 1, ठीक है, तो स्टूडेंट देखो cosec में माइनस डायरेक्ट बार आ जाता, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा cosec 1, और cosec में 1 किसकी वैल्यू होती है देखो स्टूडेंट, तो cosec π/2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, cosec π/2, तो ये जाएगा माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा माइनस का π/2 आ जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट तीन फंक्शन याद रखना है, ठीक है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और cosec इनवर्स x, इनमें डायरेक्ट माइनस बार आता है, और तीन फंक्शन जो हैं cos इनवर्स और sec इनवर्स और cot इनवर्स, इनमें पाई माइनस करके आता है, ठीक है, याद रखना है, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, ठीक है, तो ये फॉर्मूले यूज करना है आपको। इसका देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है देखो साइन 5π/3, तो स्टूडेंट देखो साइन और साइन 5π/3, ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट याद रखना फर्स्ट थ्योरम लगेगी, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम में देखो बताया था जो थीटा होता था ये इसकी मतलब रेंज में बिलोंग्स करनी चाहिए, इसकी रेंज होती है -90 से +90 होती है, तो देखो ये लिखा है पाई 5π/3 लिखा है, तो π/3 होता है स्टूडेंट कितना, ये होता है 60 डिग्री, ठीक है, 60 × 5 करेंगे कितना आएगा 300 आएगा, तो ये इसकी रेंज में तो बिलोंग्स करेगा नहीं, मतलब -90 से +90 में बिलोंग्स नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसको डायरेक्ट नहीं कैंसिल करना है आपको, तो साइन इनवर्स, तो इसको लिख देंगे साइन, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, इसको ब्रैकेट लगा देते, इसको 2π लिखते, ठीक है, 2π माइनस लिख देते हैं π/3, ठीक है, 2π से माइनस कर देते, देखो 6 माइनस वो 1π माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5π/3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करना है देखो यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है, अब स्टूडेंट देखो साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा, सबसे पहले देखो 360 वाई टेबल है तो चेंज तो होगी नहीं, ठीक है, तो साइन थीटा ही आ जाएगा, और कौन सा क्वाड्रेंट है 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है निगेटिव, तो ये आएगा माइनस का साइन पाई बाई
साइन पाई बाई थ्री आएगा। तो स्टूडेंट देखो अब ये क्या करना है, देखो साइन इनवर्स है ठीक है, तो ये माइनस बार आ जाएगा, तो माइनस का साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री। अब देखो स्टूडेंट ये साइन इनवर्स और साइन ठीक है कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का पाई बाई थ्री आ जाएगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, देखो कॉस इनवर्स कॉस फोर पाई बाई थ्री लिखा है ठीक है। अब स्टूडेंट देखो कॉस इनवर्स है ठीक है, तो कॉस की जो रेंज होती है वो होती है जीरो से पाई होती है, मतलब जीरो से 180। तो ये एंगल चेक करो कितना है, देखो फोर इंटू पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री मतलब होता है 60, और 60 इंटू फोर करेंगे ये आएगा 240। तो 240 तो लाई नहीं करेगा, देखो जीरो से 180 नहीं लाई कर रहा, तो ये होगा देखो नॉट इक्वल टू फोर पाई बाई थ्री है, मतलब इसको मैं थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तो कॉस इनवर्स इसको हम लिख देते, देखो कॉस पाई प्लस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट लिख दें, देखो सॉल्व करेंगे तो ये फोर पाई बाई थ्री आएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो कॉस इनवर्स, अब स्टूडेंट देखो कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये माइनस का होता है कॉस थीटा, क्योंकि 180 टेबल है, चेंज तो होगी, नो चेंज होगी, और 180 प्लस थीटा क्वाड्रेंट है थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव के होते हैं, अदर कैसे होते हैं निगेटिव, तो ये तो कॉस है, कॉस है तो क्या होगा माइनस होगा। अब स्टूडेंट देखो ना ये जो माइनस है ठीक है, माइनस को हमें बाहर निकालना है, तो अब देखो कॉस इनवर्स है ठीक है, तो कॉस को माइनस कैसे बाहर निकालते थे हम लोग, पाई माइनस ठीक है, फिर लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस कॉस ये हो जाएगा पाई बाई थ्री, तो ये हो जाएगा देखो पाई माइनस ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई बाई थ्री, तो टोटल आ गया हमारे पास टू पाई बाई थ्री आ जाएगा आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट देखो ये यहाँ पे हम लोग x कंसीडर करते हैं ठीक है, इसको cos इनवर्स माइनस x वाला फॉर्मला लगाते हैं यहाँ पे ठीक है, तो cos में माइनस कैसे बाहर होता है, पाई माइनस कर देते ठीक है, और फिर वो लिख देते हैं cos इनवर्स x, इसको रख के सॉल्व कर लेना ठीक है, मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं ठीक है, cos इनवर्स माइनस x को लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे साइन होता तो साइन में क्या होता है, डायरेक्ट माइनस बार आ जाता ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट लिखा देखो स्टूडेंट कॉस पाई पाई प्लस पाई बाई थ्री प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। तो स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व करना ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो कॉस पाई बाई थ्री प्लस, अब देखो स्टूडेंट ये माइनस है, माइनस को बाहर निकालना ठीक है, तो माइनस जब बाहर निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, देखो कॉस इनवर्स माइनस एस ठीक है, जस्ट हमने पीछे लिखा अभी ठीक है, देखो ये लिखा है फॉर्मूला ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, तो ये फॉर्मूला लगेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू ठीक है, तो कॉस ये हो जाएगा पाई बाई थ्री माइनस के सॉरी प्लस पाई माइनस। अब देखो स्टूडेंट अब ये 1 बाई टू कॉस में किस एंगल पर होती है वैल्यू ठीक है, ये होती है 60 पर ठीक है, 60 को हम लोग क्या लिखते हैं पाई बाई थ्री लिख देंगे ठीक है, डायरेक्ट लिख दो इसको ठीक है, और ये इससे देखो कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस पाई हो गया स्टूडेंट ठीक है, और कॉस पाई स्टूडेंट कॉस 180 ठीक है, ये होता है माइनस वन, ये आंसर आ गया। इसके बाद देखो स्टूडेंट फोर्थ है, कॉस फिर लिखा है कॉस टू पाई बाई थ्री प्लस ये स्टूडेंट देखो साइन इनवर्स और लिखा है साइन टू पाई बाई थ्री। तो स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व करना ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है जीरो से 180, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट टू पाई बाई थ्री लिखा, टू पाई बाई थ्री मतलब कितना होता है 120, तो 120 तो लाई करेगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ये टू पाई बाई थ्री आएगा इसका ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ये साइन है ठीक है, तो साइन की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, माइनस 90 से प्लस 90 होती है, तो ये स्टूडेंट देखो टू पाई बाई थ्री लिखा, टू पाई बाई थ्री मतलब 120, तो ये तो बिलोंग्स नहीं करेगा, तो ये तो नियम कैंसिल करेगा ठीक है। अब इसको थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, देखो तो इसको लिख देते हैं हम साइन इनवर्स, और स्टूडेंट देखो इसको लिखेंगे हम पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख देंगे ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो टू पाई बाई थ्री आ जाएगा।
अब स्टूडेंट को क्या करेंगे, तो 2π/3 प्लस, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स लिख लेते पहले, साइन इनवर्स। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है, प्लस का होता है, तो ये जाएगा साइन 5/3 हो जाएगा, 5/3 प्लस। अब देखो स्टूडेंट ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग्स करेगा, ठीक है, मतलब रेंज में बिलोंग्स करेगा, तो ये आ जाएगा 5/3। तो सॉल्व करेंगे, देखो एलसीएम सेम है तो ऊपर आ जाएगा, सॉरी 2π/π/3, तो ऊपर हो गया 3π/3, कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा आंसर। इसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th, कह रहा है कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है 5/3, और स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू बतानी, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, 5/2 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इसकी वैल्यू दो, ठीक है, 5/3 इक्वल टू 5/2। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई 5/2 माइनस के 5/3, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा देखो 90 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 30 मतलब 5/6 आएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5th, लिखा है टेन इनवर्स 3/4 इक्वल टू एक्स, तो स्टूडेंट देखो हमसे पूछा है इन्होंने सेक की वैल्यू पूछी, ठीक है, सेक एक्स पता करना, ठीक है, सेक एक्स कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो 3/4 इक्वल टू, इसको टेन इनवर्स एक्स को उधर लाओ, तो ये जाएगा 10x। तो अब स्टूडेंट देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है, कि सेक एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट में 1 प्लस 10x2, तो sec x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, तो sec x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो sec x इक्वल टू हो जाएगा, तो ये आएगा स्टूडेंट 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, ठीक है, 16 प्लस 9/16, तो sec x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 25/16, तो ये जाएगा 5/4, ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है, sec और लिखा है cos इनवर्स 1/2, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो sec, स्टूडेंट देखो अंदर cos इनवर्स लिखा, ठीक है, तो इसको cos को कन्वर्ट कर देते sec में, तो क्या लिखेंगे, देखो sec इनवर्स, तो ये जो वैल्यू होती थी इसको रिवर्स कर दो, ठीक है, उल्टा कर दो, तो 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2। इसका देखो स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 5/2 गिवन है, ठीक है, वो हमसे कह रहा है प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव दैट कॉस इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, ये प्रूव करना है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से लिख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 5/2, ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा देखो साइन इनवर्स एक्स, तो देखो स्टूडेंट आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है, इस 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस
कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और स्टूडेंट देखो तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो स्टूडेंट ये प्रूव करना था, ठीक है, देख लो, ठीक है, पीछे ये प्रूव करना था, देखो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये स्टूडेंट सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, हम सेवेंथ का सेकंड पार्ट चलते हैं, ठीक है। सेवेंथ का सेकंड पार्ट कह रहा है प्रूव करना है, देखो साइन वन बाई टू कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव इक्वल टू वन बाई रूट टेन, ये प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव इक्वल टू थीटा, तो स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा फोर बाई फाइव इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स को उधर भेज देना तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो कुल मिला के स्टूडेंट देखो मैं कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, कॉस थीटा कितना आ गया हमारे पास फोर बाई फाइव आ गया। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो, ये हमने थीटा लेट किया था, ठीक है, इसको यहाँ थीटा, तो इसकी वैल्यू देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बाई टू बन जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन वन बाई टू, ठीक है, और इसको हमने देखो थीटा लेट किया, ठीक है, इतने पार्ट को थीटा पुट कर दो, तो यहाँ से थीटा पुट करेंगे तो कुल मिला के ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू, सॉरी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो, वन वन माइनस कॉस थीटा पॉइंट टू, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है, याद कर लो, ठीक है, ये साइन, ये हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो ये तो अंडर रूट में जाएगा वन माइनस कॉस थीटा वैल्यू कितनी है फोर बाई फाइव अपॉन टू, तो ये हो जाएगा टोटल, कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा ऊपर वन बाई फाइव अपॉन टू, तो कुल मिला के कैलकुलेट करेंगे वन बाई टेन आएगा, ठीक है, तो ये वन बाई रूट टेन आ जाएगा। तो स्टूडेंट इधर कैसे लाता, देखो साइन वन बाई टू इंटू थीटा, अब क्या करना स्टूडेंट अगले स्टेप में थीटा की वैल्यू पुट कर दो जो हमने लेट किया था, साइन इनवर्स वन बाई टू, ठीक है, थीटा जो हमने लेट किया था, ठीक है, थीटा लेट किया था कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव, ठीक है, यहाँ पे आके पुट कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव इक्वल टू वन बाई रूट टेन, ये प्रूव हो गया, ठीक है आपका। स्टूडेंट देखो अगर ऐसी कहीं कोई प्रूव करना होता है कॉस में, ठीक है, तो कॉस थीटा बाई टू इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में वन प्लस कॉस थीटा अपॉन टू, ये स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूले है, ठीक है, आप याद रखोगे, ठीक है। अगर सपोज मान लो अगर यहाँ पे अगर कॉस लिखा होता, ठीक है, स्टार्टिंग में ही कॉस लिखा होता, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला फिर हम लोग यूज करते, ठीक है, ये वाला। इसका देखो स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट लिखा है देखो ये भी कह रहा है, देखो प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव कह रहा है टेन वन बाई टू कॉस इनवर्स रूट फाइव बाई थ्री इक्वल टू थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन टू, ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग लेट कर लेंगे जो ये लिखा है, ठीक है, देखो कॉस इनवर्स रूट फाइव बाई थ्री इक्वल टू थीटा, तो स्टूडेंट देखो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट फाइव बाई थ्री इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट कुल मिला के यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है रूट फाइव अपॉन थ्री। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो, ये जो हमने लेट किया, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, ये टेन बन जाएगा, टेन वन बाई टू इंटू थीटा बन जाएगा, ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया टेन थीटा बाई टू हो गया। और स्टूडेंट देखो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको हम देखो ऐसे लिखते हैं वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखना है आपको टेन थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
ऊपर वन माइनस कॉस है, ठीक है, और नीचे क्या लगा, वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम पीछे बताए थे, ठीक, जो पीछे फॉर्मूले बताए थे उनको डिवाइड कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा टेन। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, इसमें तो वन माइनस ये आ जाएगा रूट फाइव बाई थ्री अपॉन में आएगा वन प्लस रूट फाइव बाई थ्री। तो स्टूडेंट देखो एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, तो थ्री माइनस ये आएगा रूट फाइव अपॉन में आएगा थ्री प्लस रूट फाइव आएगा। तो स्टूडेंट देखो इसको और सॉल्व कर लेते, तो टेन थीटा बाई टू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, तो थ्री माइनस रूट फाइव, ठीक है, और थ्री प्लस रूट फाइव। तो स्टूडेंट नीचे क्या लिखा था, थ्री प्लस रूट फाइव लिखा था, तो थ्री माइनस स्टूडेंट देखो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, अभी बता रहे क्यों। इसको हमने रैशनलाइज कर दिया, ठीक है, नीचे प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टेन थीटा बाई टू इक्वल टू हो जाएगा रूट में ऊपर, तो स्टूडेंट देखो थ्री माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर, तो टेन थीटा बाई टू इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, तो सॉल्व कर लेंगे, देखो थ्री माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा, देखो नाइन माइनस फोर आएगा, सॉरी नाइन माइनस फाइव, तो ये आ जाएगा देखो टेन थीटा वाई टू इक्वल टू अंडर रूट में थ्री माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा फोर। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा देखो थ्री माइनस रूट फाइव बाई हो जाएगा, देखो टू आएगा, ठीक है, पूरा रूट से बाहर निकाल लो। अब क्या करना स्टूडेंट, देखो थीटा की वैल्यू पुट कर देते, ठीक है, जो थीटा हमने लेट किया था, सॉरी यहाँ पे थीटा हटा दो, वन बाई टू इंटू, ठीक है, थीटा क्या लेट किया था हमने, थीटा लेट किया था कॉस इनवर्स रूट फाइव बाई थ्री, तो कॉस इनवर्स रूट फाइव बाई थ्री इक्वल टू आ गया देखो थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू। तो स्टूडेंट ये प्रूव करना था, ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा स्टूडेंट, ठीक है, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। इसको देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट कह रहा है प्रूव करना ये भी क्वेश्चन, लिखा है देखो टेन वन बाई टू साइन इनवर्स थ्री बाई फोर इक्वल टू फोर माइनस रूट सेवन बाई फोर, ठीक है, ये पीछे जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, सेम थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो बता रहे कैसे करना है, लेट कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स थ्री बाई फोर इक्वल टू थीटा, तो थ्री बाई फोर इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट साइन हो गया, ठीक है, अब साइन थीटा है तो हमें देखो यहाँ से कॉस निकालना पड़ेगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट में वन माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट में वन माइनस नाइन बाई सिक्सटीन, तो कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट में, ये सॉल्व कर लेते स्टूडेंट, देखो कितना हो जाएगा सिक्सटीन माइनस नाइन बाई सिक्सटीन, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे बचेगा सेवन, ठीक है, रूट सेवन बाई थ्री आ जाएगी स्टूडेंट, रूट सेवन बाई थ्री, ठीक है, नीचे थ्री आएगा, ठीक है, नीचे क्योंकि नाइन था यहाँ, सॉरी फोर आएगा, यहाँ पे फोर आएगा। अब स्टूडेंट देखो क्या करना है, अब जो हमने लेट किया था, ठीक है, यहाँ पे ये साइन, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, थीटा इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास टेन वन बाई टू इंटू थीटा बन जाएगा, ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारे पास बन गया टेन थीटा बाई टू बन गया। और स्टूडेंट देखो ये अभी फॉर्मूला पीछे बता चुके हम लोग, ठीक है, पीछे बताया था क्या होता है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा बाई टू का, ठीक है, याद रखना है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा देखो, इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है, तो वन माइनस कॉस थीटा वैल्यू पुट कर दो ऊपर से रूट सेवन बाई फोर, नीचे हो जाएगा वन प्लस रूट सेवन बाई फोर,
अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 माइनस √7 अपॉन में आएगा 4 प्लस √7, ये tan θ/2 चला था, ठीक है। अब क्या करना, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। tan θ/2 इक्वल टू आएगा अंडर रूट में 4 माइनस √7, नीचे था 4 प्लस √7, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है, रैशनलाइज करेंगे नीचे वाले का, रैशनलाइज कर दो 4 माइनस √7 और 4 माइनस √7, तो ये आ जाएगा। देखो स्टूडेंट tan θ/2 इक्वल टू, तो स्टूडेंट ये हटा देना, ठीक है, तो ऊपर आएगा देखो 4 माइनस √7 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा θ/2 इक्वल टू आएगा ऊपर से, देखो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर से अभी लिख रहे थे इसको 4 माइनस √7 का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे आ जाएगा 16 माइनस 7, तो tan θ/2 इक्वल टू हो जाएगा, बाहर निकाल लेते, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, अभी रुक जाओ, 4 माइनस √7 का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा 9, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 4 माइनस √7/3 आ जाएगा, टोटल बाहर निकाल लेना, ठीक है, तो ये आएगा tan θ/2। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो 1/2 × θ का वैल्यू रख दो, ठीक है, थीटा तो हमने क्या लेट किया था, लिखा था साइन इनवर्स थ्री बाई फोर इसक्वल टू 4 माइनस √7/3, ये प्रूव करना था स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है क्वेश्चन। तो याद रखना स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको याद रखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है, देखो sin inverse x = 1/3 लिखा स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी 1/3, तो यहाँ से स्टूडेंट x की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा sin 1/3 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू पूछ रहा है हमसे, देखो sin inverse 2x और अंडर रूट में 1 - x², तो ये हो जाएगा sin inverse, तो 2 × स्टूडेंट ये रख देते हैं sin 1/3, ठीक है, और रूट के अंदर आएगा 1 - sin²1/3, तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते, ठीक है, तो ये जाएगा देखो sin inverse 2 × sin 1/3, ठीक है, देखो अंडर रूट में लिखा है 1 - sin²θ, तो क्या होता है cos²θ, मतलब ये हो जाएगा cos²1/3 हो जाएगा, तो sin inverse 1/3 × ये तो हो जाएगा cos 1/3। अब स्टूडेंट देखो ये फार्मूला होता है 2 sin θ × cos θ, ये फार्मूला है किसका, sin 2θ, θ = 1/3, तो ये स्टूडेंट देखो साइन इनवर्स है, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 2/3 आंसर आएगा, ठीक है। और वैसे याद रखना स्टूडेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है, अभी हम आगे फार्मूले और पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला होता है वैसे 2 sin inverse x का होता है फार्मूला, ठीक है, ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और पास में जो बेल लगी उसको भी प्रेस कर लेना, ठीक है, और बेल प्रेस करने से स्टूडेंट क्या होता है, जो हम वीडियोज अपलोड करेंगे उसको आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलेगा। और स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप फेसबुक पे मुझे सर्च कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। और स्टूडेंट बता दें, ठीक है, अगर आप रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरी डेली लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो डेली लाइव क्लास में क्या होगा, आप स्टूडेंट मुझसे डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, और आपको वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ठीक है, और आपको संडे को जो होता है वो टेस्ट सीरीज रहेगी, ठीक है, इससे क्या होगा आपका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप मुझसे अगर लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे इनमें से कहीं से मतलब फॉलो कर लेना मुझे, ठीक है, और कहीं से भी मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है।